हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी। तो जैसा कि एसएससी जेई का पेपर खत्म हो चुका है ना, तो आज हम लोग कटअप की बात करेंगे, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल का जो पेपर था वो दो दो दिन हुआ, एक तो 9 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ और 11 तारीख को जो है सेकेंड शिफ्ट में हुआ। अगर बात करें मैकेनिकल के पेपर की, तो मैकेनिकल के पेपर में अगर आप देखें टेक्निकल की बात करें, तो टेक्निकल काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चन आए थे, उसमें थ्योरेटिकल लेवल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। और अगर वहीं पर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे वो हमारे मॉडरेट लेवल के थे, है ना। थोड़ा सा अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़े से कंसेप्ट अगर उसके क्लियर है, तो रीजनिंग बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। बट अगर जीएस जीके की बात करें, जितना मुझे अभी तक रिव्यू मिला है, जितना हमारी टीम को अभी तक रिव्यू मिला है, जीएस जीके काफी ज्यादा टफ आया। करंट अफेयर के पोर्शंस उतने ज़्यादा नहीं पूछेगा इस बार। करंट अफेयर मतलब बहुत ही एक या दो क्वेश्चन से आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। स्टैटिक जीके था और पॉलिटी, पॉलिटी को स्पेशल इस बारी अटेंशन दिया गया। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। अगर बात करें जीएस जीके के, तो ये हार्ड लेवल पे जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड था। अगर कटअप की बात करें, तो कटअप सर बताएंगे। देखो कट ऑफ के लिए मैं बताता हूँ, जैसे जो टेक्निकल पोर्शन था काफी थियोरिटिकल क्वेश्चंस इजी थे। अगर किसी ने थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से, तो टेक्निकल में इजीली 70 प्लस स्कोर किया जा सकता था। जो नॉन टेक पोर्शन है, जिसमें रीजनिंग और जीएस आता है, रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आराम से 40 स्कोर करने लायक क्वेश्चन था। बट हाँ, लेंदी था। बट अगर आप टेक्निकल को 40 से 45 मिनट में जो स्टूडेंट किए होंगे, उनके पास रीजनिंग के लिए काफी टाइम मिला होगा, तो 40 से अच्छा स्कोर कर सकता है। सिमिलरली जो जीएस का पोर्शन था, अगर आपने जीएस पढ़ी हुई है, तो आराम से आप 20 प्लस स्कोर यहाँ कर सकते थे। तो टोटल जो मेरे अकॉर्डिंग जो स्कोर बनता है वो 130 बनता है। यहीं से कुछ प्लस माइनस आप प्लस माइनस 4 या 5 मार्क्स कर सकते हो, जो लास्ट ईयर से थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाएगा, बिकॉज जो टेक्निकल है वो थोड़ा इजी आया था मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी बच्चों से काफी रिव्यू लिया है, तो बच्चों ने यही बोला टेक्निकल सर काफी इजी था। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस ही थे, ऑलमोस्ट न्यू क्वेश्चंस कुछ फ्रेम हुए थे, काफी कम क्वेश्चंस, तो टेक्निकल इजी था। तो यहाँ पे कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 130 प्लस कुछ जाने। और जैसे कि देखो, अगर बात की जाए तो मेंस की डेट ना वो आ चुकी है। मेंस की डेट आप सबको पहले से बता रखा है, एसएससी जे की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी चीज क्या हुई है कि एसएससी जे ने पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर रखा है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी कि अगर बात करें तो हमारे पास बहुत कम टाइम है। विद इन 2 मंथ हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस जो है कम्प्लीट करना है। और रही बात की भाई क्या पढ़े कैसे पढ़े, वो भी बहुत जरूरी है। और मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जिसके भी एक्सपेक्टेड है, या थोड़े बहुत सबको लग रहे हैं कि भाई मेरे 130 प्लस आ रहे हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब रिटन एग्जाम की तो तैयारी करनी ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, जो कि नॉर्मली किसी भी जेई या एई में पूछा जाता है। तो आप अभी से तैयारी करें, एक प्रॉपर वे में तैयारी करें, ताकि आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिल पाए। अगर CBT 1 आपका क्लियर हो जाता है, तो बेटर है कि आपकी CBT 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए।